हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की आज की पोजीशंस के बारे में। आज है 5th of March 2020। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। और सबसे पहले बात करेंगे हम कल की मार्केट की कि मार्केट में कल क्या हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक घंटे का चार्ट ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रहे समझना। तो देखिए हुआ क्या कल, जब मार्केट 4th of March को जब ओपन हुई मॉर्निंग में, तो गैप अप ओपन मार्केट यहाँ पर हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट थी कल। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते ही मार्केट पूरा नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, राइट। और इस तरीके से नीचे बार बार डिप करती जा रही थी, राइट, कि स्टॉप लॉस जो हिट हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री आई यहाँ पर, राइट, और यहाँ से प्राइस जो है काफ़ी नीचे हो गया था। कल पूरा दिन जो है वो जिगजैग मूवमेंट रही, मार्केट ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, और कोई भी मतलब समझ नहीं पा रहा था कि प्राइस जो है कहाँ जा सकता है। जब प्राइस यहाँ गया, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक EMA लगाया था, राइट, और ये था 200 का, अगर आपको याद हो तो। और 200 के EMA पे मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बताई थी, मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने आपसे बताया था ये 77 था, उसके बाद ये यहाँ पर 71 था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक कि कोई कैंडल जो है वो प्रॉपरली इस EMA, जो ये EMA है उसको ऊपर क्लोज़ नहीं करेगी, ऊपर कोई कैंडल उसको जब तक क्लोज़ नहीं करेगी, जब तक, राइट, यहाँ पर कोई भी जो है बाय यानी कि बाय साइड में प्राइस नहीं जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ठीक है, अब देखिए, आप देखिए इसने सिर्फ इसको टच किया है, राइट। हमें प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, यानी कि आधी कैंडल ऊपर हो, तकरीबन आधी नीचे है हो, कम से कम ऐसी, क्योंकि हम उस कैंडल का तो वेट नहीं करेंगे जो मतलब पूरी ही इससे बाहर हो कोई भी कैंडल, पर एटलीस्ट आधी कैंडल, जैसे ये बनना स्टार्ट हुई थी, मगर इसने वापस क्लोजिंग इसी के ऊपर, इसी कैंडल के ऊपर तकरीबन इसी कैंडल के ऊपर इसने दिया। जैसे कि अगर आप देखेंगे इसको, अगर यहाँ पर आप अगर आप देखें तो EMA का प्राइस क्या है, 64, और इसका क्लोजिंग क्या है, 68। सिर्फ 4 रुपये का डिफरेंस है, राइट, तकरीबन आधा होना चाहिए था। यहाँ पर आप आ जाइए, इसका जो क्लोजिंग प्राइस क्या है नीचे, 3553 और नीचे 64, यानी कि खैर ये तो रेड ही बन गया, तो कोई सेंस ही नहीं बना खैर रेड का, तो क्योंकि ग्रीन पे ही हमें चाहिए था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मतलब वही चीज़ यहाँ वाली ही चीज़ रही कि इसने इसको क्रॉस किया, राइट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे फिर रिजेक्शन ही आया है। रिजेक्शन आने के बाद इसने वापस क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाया आपको कि नीचे से फिर से, और ये ऑब्वियस भी है, जब भी मार्केट इतना गिर जाती है लास्ट टाइम में, तो हमेशा लास्ट घंटे की कैंडल जो है वो हमेशा जो है क्या बनती है, ग्रीन ही बनती है। अगर इसको हम 4 घंटे पे देखने की कोशिश करें तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर इसने भी एक बार टच किया था ऊपर, तो क्लोजिंग जो थी कैंडल की वो नीचे थी। इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके देखें तो देखिए यहाँ से 4 घंटे के टाइम फ्रेम से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि प्राइस का जो है रिजेक्शन है, यानी कि ऊपर जाने के लिए प्राइस तैयार नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल लीजिए आप, और 15 मिनट की कैंडल लेने के बाद आप इसको कर दीजिए यहाँ से रिमूव, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट अभी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद जो है ऊपर ओपन होगी या नीचे ओपन होगी या क्या हो सकती है। तो मार्केट अभी देखिए चल रही है कितने पे, 3510 के ऊपर। तो मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली अगर बताने की कोशिश करूं तो देखिए कई चीज़ें यहां पर हैं। आज का जो मार्केट है वो टोटली गैप अप या गैप डाउन मार्केट पर डिपेंड करती है। देखिए पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है,
और अभी मान लीजिए प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है कितना, मार्केट की क्लोजिंग हुई थी कितने पे, 3510 के ऊपर, ठीक है। अगर तो मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होती है, ठीक है जी, अगर मार्केट 50 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, राइट, या फिर यहाँ कहीं ओपन होती है जो भी 40-50 के आसपास, 30 से लेकर 40 तक, ऐसे करके जहाँ पर भी ओपन हो, मतलब 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी नॉर्मली गैप अप होती है, अगर ऐसा गैप अप होता है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे फिर बाय है, और जो है अच्छा खासा एक बाय सिग्नल जो है हमें जहाँ पे जनरेट होगा, और कहीं हद तक आप कह सकते हैं कि तकरीबन 98% जो है फिर मार्केट बाय की तरफ ही जाएगी। और जो एक रिजेक्शन आया था, जो मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आप कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप बाय करेंगे तो आप अपना ध्यान में रख के करेंगे कि 71 या 75 का जो प्राइस है, राइट, आप वहीं तक अपना इंट्राडे ट्रेड कीजिए, इसको पोजिशनल में कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब तक ऊपर का लेवल नहीं टूटेगा 70, और मैंने आपको 80 का जो बताया था, 75 का, जब तक जो है बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा। और अगर अगर वो प्राइस टूट जाता है, ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली फिर आपको बड़ा प्रॉफिट 100-200 पॉइंट का भी हो जाएगा, राइट। वैसा नहीं हुआ। अब आज का क्या है, सिंपली ये है कि अगर मार्केट 50 पॉइंट मिनिमम गैप अप ओपन होती है, तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन देगा किसके, बाय सिग्नल्स के, और बहुत अच्छे सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं बाय की साइड के लिए, राइट। अच्छा, अगर सेल ओपन होता है, ऐसा ही सेल में भी है कि अगर प्राइस जो है वो रेड में ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है, और गलती से जैसे जो अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर कि प्राइस 3457, राइट, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगने के बाद इस तरीके से कैलकुलेशंस दिखा देते हैं ये, अगर प्राइस यहाँ तक ओपन होता है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 50 पॉइंट नीचे, मतलब मार्केट अगर ओपन होती है, तो यहाँ से भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है, और तकरीबन 95% जो है वो फिर नीचे ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह की आज मार्केट है और जिस तरीके की चार्ट बना हुआ है या एनालिसिस बनी हुई है हमारी, उस हिसाब से ये है कि अगर ग्रीन गया तो बहुत हाई इंडिकेशंस दे रहा है, मतलब स्ट्रेटजीज की बाय में जाएगा प्राइस, और रेड बना तो मतलब रेड में जाएगा। अब मेरे हिसाब से क्या होगा, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर ये होगा तो ये करना, ये होगा और वो होगा तो वो होगा, ग्रीन होगा तो बाय जाएगा और रेड होगा तो सेल जाएगा, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। अब बात करते हैं हमें क्या लगता है। अब मुझे ये लगता है कि मार्केट गैप अप होने के चांसेस कम है, राइट, और गैप अप मार्केट होने के चांसेस कम है। कल भी निफ्टी क्रैश हुई थी, कल भी निफ्टी क्रैश हुई थी, और लास्ट में उसने जो है अच्छा खासा रिकवर किया था, तो मुझे लगता है कि आज फिर से ये थोड़ा तो मार्केट जो है गिर के ही ओपन होगी निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि कुछ ऐसे अच्छे सेंटिमेंट्स हैं नहीं मार्केट में। न्यूज़ कोरोना की कल और भी ज़्यादा केसेस मतलब फाउंड हुए हैं दिल्ली और अदर स्टेट्स में, तो मेजर इश्यूज़ है ये, और कल पूरा दिन न्यूज़ में भी कोरोना के बारे में ही पूरा दिन चल रहा था, और इसको देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट जो है गैप अप ओपन होगी, और सॉरी मैंने आपको गैप अप बोल दिया गलती से, गैप डाउन ओपन होगी, और मुझे ये लगता है कि तकरीबन तकरीबन जो है प्राइस जो है वो 3500, मतलब कम से कम 30 पॉइंट तो, मतलब 30 पॉइंट या 20 पॉइंट तो मार्केट मतलब होनी चाहिए गैप डाउन ओपन, तो तकरीबन आप अगर आप मान के चलें तो 500, जैसे अभी क्लोजिंग जो स्कैंडल की थी, राइट, अरे ये क्या है, जो भी 10 पे उसकी क्लोजिंग थी या 7 पे थी, जो भी थी, अगर मैं देखूं इसको तो तकरीबन तकरीबन ये 3490 तक शायद गैप डाउन ओपन हो सकती है। कोई ज़्यादा बड़ा गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, राइट, मार्केट से, पर फिर भी मतलब मेरे हिसाब से आज कुछ ज़्यादा बड़ा गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा गैप अप होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि 95% मतलब मुझे लगता है कि शायद मार्केट गैप ही डाउन ओपन होगी, और जो होना भी चाहिए,
और पर मुझे ये नहीं लगता कि अगर मान लीजिए गैप अप भी ओपन होता है और गैप डाउन कुछ भी ओपन होता है तो मुझे ये लगता है कि एक छोटा सा ही गैप अप गैप डाउन होगा और इन्हीं इसी कैंडल के आसपास कहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे लगता है कि 3500 और 3490 यानी कि 3490 से 3500 के आसपास मतलब अंदर कहीं हो सकता है। और गैप अप के लिए भी मुझे यही लगता है कि शायद इतना बड़ा तो गैप अप नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्योंकि आज की मार्केट इस तरह की तरीके की है कि गैप अप और गैप डाउन ही आपको बता देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। तो इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा मतलब इजी नहीं होने देगा आपके लिए कि मॉर्निंग के अंदर ही आपको बड़ा इजीली पता चल जाए कि क्या होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट का गैप अप और गैप डाउन जो है वो बहुत इजीली, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजिंग प्राइस जो था लास्ट कैंडल का उसके आसपास रखने की कोशिश करेंगे, राइट, उसके आसपास ही रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उसके आसपास ही रखेंगे, मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर रख दिया, अब वही 3490 से लेकर 500 ऊपर थोड़ा सा रख दिया, तो उससे होगा कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आपके जो इंडिकेशंस थे वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 से 10 रुपये का या 10 रुपये का 15 रुपये का गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो आप उसमें कैलकुलेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो प्राइस आपका उस इंडिकेशंस की तरफ गया है क्लियर कट कि हाँ भैया बाय है, और ना ही नीचे गया सेल है। तो वहाँ पर फिर जब कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी तो लोग उल्टी सीधी ट्रेड लगाएंगे, उल्टी सीधी ट्रेड लगाएंगे तो फिर जो है पैसा बनेगा, राइट, क्योंकि अगर सभी सही ट्रेड्स लगाएंगे तो फिर पैसा किसका बनेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, राइट, और इसी तरीके से आप कीजिए। और अब तक अगर फायर्स का अकाउंट ओपन नहीं कराया तो करवा लीजिए, एनालिसिस करना सीखिए, अच्छी चीज़ यूज़ कीजिए, और इसके साथ में आपको जो है बेनिफिट मिलता है हमारे साथ। अगर आप फायर्स का अकाउंट ओपन करते हैं हमारे साथ तो आपको फ्री लेवल सर्विस मिलती है सभी सर्विसेज के अंदर और सभी सेगमेंट्स के अंदर, उसका बेनिफिट उठाइए फ्री में, और अपने रिलेटिव्स नियर एंड डियर्स को भी रिकमेंड कीजिए कि हमारे साथ फायर्स का अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाइए। और सारी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, तो आपको मुझे पर्सनली कोई मैसेज करके पूछने की नीड नहीं है कि कैसे फ्री सर्विस मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप क्रूड बुल भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, CRUDEBULL। जब आप क्रूड बुल सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, उस पर जाइए, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है। लिंक वहाँ पर भी दिया होगा, वहाँ से भी आप लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं अकाउंट। और अकाउंट ओपन करने के बाद आप सिंपली मुझे अपनी आईडी शेयर कर दीजिए, जब भी आपका अकाउंट ओपन हो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ग्रुप का, फ्री सर्विस का, राइट, लेवल सर्विस का, और आप वहाँ से जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।